हफ्ते की शुरुआत करने के लिए दुनिया भर के बाजारों से आज है कुछ बेहतर संकेत। मजबूत दमदार शुरुआत के बाद क्या बाजार ऊपरी स्तरों पर टिक पाएंगे या फिर से आएगी मुनाफा वसूली? क्या रहेगा आज का ट्रेंड, क्या करें आप, इस पर रहेगी खास फोकस। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। अनिल जी, वैसे तो कहते हैं थैंक गॉड इट्स फ्राइडे, बट लास्ट फ्राइडे के बाद क्या आज कहें थैंक गॉड इट्स मंडे? एब्सोल्युटली। और वैसे तो थैंक गॉड फ्राइडे भी कह सकते हैं कि फ्राइडे था और फ्राइडे को जिस तरह से वीकेंड पर वहीं पे खत्म हो गया। बाइडेन साहब की तरफ से जो पैकेज का ऐलान हुआ उससे आज हरियाली दिख रही है। अदरवाइज तो अगर आप देखते तो मंडे की कैसी शुरुआत होगी, मंडे ब्लूज जो बाजार में देखने को मिलते हैं। लेकिन कुल मिलाकर आज अच्छी बेहतर मजबूती के संकेत हैं। इसी के दम पर देख लेते हैं आज वो कौन से ट्रिगर्स हैं जिन पर भारतीय बाजारों को हफ्ते की शुरुआत करनी है। दो दिनों में अमेरिका में डाउ 1000 पॉइंट लुढ़का है, लेकिन डाउ फ्यूचर्स जो मजबूत है वो कोविड पैकेज मंजूर होने की खबर के दम पर होता हुआ दिखा है। जो कांग्रेस ने मंजूरी दी अब सीनेट के पास जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने भी आज वैक्सीन का पहला डोज लिया और इसी के साथ वैक्सीनेशन का दूसरा चरण आज से शुरू होता हुआ दिख रहा है। और आज से इन्वेस्टमेंट का एक और मौका आपके लिए है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का आज 12वां चरण शुरू होने जा रहा है, तो क्या इसमें पैसा लगाएं ना लगाएं, इस पर भी विस्तार से करेंगे बातचीत। बिल्कुल सर, तो ढेर सारे क्यूज हैं जहाँ पे बात करने, आज शॉर्टलिस्टिंग करने में थोड़ी परेशानी हुई इतनी सारी चीज़ें बात करने की। पर थोड़ा जरा सर, एक तो ये फ्राइडे का एक्शन समझते हैं और स्पेशली ये जो ग्लोबल बाजारों में चल रहा है उसके बारे में थोड़ा आप लाइट डालेंगे। जो बॉन्ड डील पे लगातार हम देख रहे हैं, बॉन्ड डील की बात हो रही है, थर्सडे का बड़ा सेल ऑफ, फ्राइडे को भी गिरे, ये पूरा मामला क्या है सर? दीप, देखिए सिंपल चीज है कि इक्विटी मार्केट में और बॉन्ड मार्केट में जो लोग निवेश करते हैं, यानी कि इक्विटी और फिक्स इनकम, उनके पास लिमिटेड पैसा है, ऐसा हम मानकर चलते हैं। ठीक है, अब वो पैसा आप वहाँ लगाएंगे जहाँ आपको ज़्यादा फायदा होता है। ठीक है, अगर अमेरिका में 0% ब्याज रहे और जो कि 2023 तक रहने वाली है अगर फेड की माने तो फिर वहाँ पर पैसा लगाकर आपका बड़ा पैसा बनने वाला नहीं। तो फिर आप ये करते हैं कि भले इक्विटी में रिस्क ज़्यादा है लेकिन अच्छा पैसा बन जाएगा, और ये सोच के इन्वेस्टर्स इक्विटी में पैसा लगाते हैं। और वो इसलिए लगाते हैं कि ब्याज दरें कम है, पैसा, लिक्विडिटी भी अच्छी है। अब धीमे धीमे जब अमेरिका का फेड, अमेरिका की सरकार स्टिमुलस पैकेज लाती है, सिस्टम में पैसा डालती है, तो इसके दम पर इकोनॉमी की एक्टिविटी जो है धीमे धीमे बेहतर होती दिख रही है, यानी कि बिजनेस बढ़ने लगते हैं, जो कि देख भी रहे हैं आप, होता हुआ दिखा है कि अमेरिका की कंपनियों के नतीजे बहुत दमदार आ रहे हैं। अब जब ऐसा होने लगता है तो एक, महंगाई थोड़ी बढ़ने लगती और दूसरी ब्याज दरें बढ़ने लगती। तो अब जब ब्याज दरें बढ़ने लगती तो इक्विटी मार्केट के लिए अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि पैसा इक्विटी मार्केट से बॉन्ड मार्केट में या डेट मार्केट में या फिक्स इनकम मार्केट में शिफ्ट होता है, वही होता हुआ दिख रहा है। तो अमेरिका में जो बॉन्ड डील्स है वो 1% के नीचे चलते थे, 0.9% के आसपास, बढ़कर 1.6-1.7% की रेंज में पहुंच गए। अब शुक्रवार को ये हुआ है कि थोड़े वापस ठंडे हुए, 1.60 से 1.40 के आसपास आ गए, यानी कि 20 बेसिस पॉइंट कम हुए। अब सुनने करने में 20 बेसिस पॉइंट क्या है, 20 बेसिस पॉइंट कुछ नहीं, हमारे यहाँ तो स्टॉक 20-20% का सर्किट लगा देते हैं, राइट? लेकिन 20 बेसिस पॉइंट क्या, 2 बेसिस पॉइंट, 4 बेसिस पॉइंट में भी बहुत कुछ ऊपर नीचे हो जाता है। तो अब अमेरिका में जिस तरह से बॉन्ड में ब्याज बढ़ रहा है, अगर मुझे ये कॉल लेना है कि मैं इक्विटी में पैसा डालूं या बॉन्ड में पैसा डालूं, तो काफ़ी इन्वेस्टर ऐसे हैं जो अब ये लगता है इक्विटी मार्केट लाइफ टाइम हाई पर है, थोड़ा पैसा यहाँ निकाल दें, बॉन्ड में डाल दें, तो उनके लिए ये फायदे की बात है, इसलिए थोड़ा पैसा शिफ्ट होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो बॉन्ड मार्केट में ऑलरेडी इन्वेस्ट करके बैठे हैं उनके लिए नुकसान है, क्योंकि बॉन्ड यील्ड बढ़ता है, इसका मतलब ये कि बॉन्ड यील्ड बढ़ने का मतलब बॉन्ड के दाम घटना। बॉन्ड के दाम घटना, अगर आपने पहले से बॉन्ड खरीदा हुआ है और बॉन्ड का, इसका सिंपल सॉल्यूशन में समझिए, आप 1 महीने 2 महीने 3 महीने पहले अमेरिका के बॉन्ड खरीदते हैं जब 0.9% उसका यील्ड चल रहा था, तो यानी कि आपका ब्याज जो मिलेगा वो 1% के आसपास। अब आज खरीदते हैं तो 1.5% के आसपास मिलता है, तो जाहिर सी बात है आज ब्याज ज़्यादा मिल रहा है। तो अगर आपने पहले ब्याज पे पैसा लगाई, ये सिंपल वैसे कि FD की रेट बढ़ जाए, आपने आज FD कराई 6% मिल रहा है और ब्याज दरें बढ़ जाए, कल को FD की रेट 7% हो जाए, तो आप देखें अरे मैंने तो 5 साल के लिए डाल दिया, अब क्या करूँ, राइट? 10 साल के लिए डाल दिया। तो ये तो बॉन्ड मार्केट में जो इन्वेस्टर्स हैं, इसलिए बफेट साहब कह रहे हैं कि बॉन्ड मार्केट्स के आगे कुछ के प्लेयर्स के लिए अगर ब्याज दरें बढ़ेंगी तो जो आज बॉन्ड में पैसा लगा, लेकिन उसके बावजूद बॉन्ड यील्ड बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब क्लियर कट है कि थोड़ा सा बॉन्ड मार्केट में ये कह सकते हैं आप यील्ड बढ़ने का या बॉन्ड्स के दाम घटने का संकेत है।
अब रहा सवाल ये कि क्या ये कुछ ज़्यादा कुछ जल्दी नहीं हो गया? उसका जवाब हाँ है, लेकिन अगर इक्विटी मार्केट में बहुत कुछ ज़्यादा बहुत कुछ जल्दी हो सकता है तो बॉन्ड मार्केट में क्यों नहीं? तो इसीलिए अब होगा ये, न सिर्फ बॉन्ड मार्केट बल्कि इक्विटी मार्केट, दोनों ही मार्केट अब थोड़े वोलेटाइल रहेंगे। अब हम वो एकदम आराम से बढ़िया स्मूथ ग्लोबल मार्केट्स देखने के दौर से अब हम उतार चढ़ाव वाले दौर में जा रहे हैं। सिंपल, अब ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को इस तरह से देखना है। अब क्या है, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए क्या, बॉन्ड यील्ड बढ़ना लॉन्ग टर्म के लिए बाजार के लिए खराब है, इक्विटी मार्केट के लिए लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन बॉन्ड यील्ड तब बढ़ते हैं जब महंगाई बढ़ती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है, इकोनॉमी मजबूत होती है, बेरोजगारी कम होती है, ये सारे फैक्टर्स, तो ये तो अच्छी बात है इकोनॉमी के लिए। एग्जैक्टली, यही तो आप चाहते हैं। एग्जैक्टली, तो वो तो अब ऐसे में मार्केट बढ़ेंगे इकोनॉमी के फंडामेंटल पर, लेकिन रुकेंगे बॉन्ड यील्ड बढ़ने पर। हर चीज के दो पहलू है इकोनॉमिक्स में। तो ये इंटरेस्टिंग बात है कि मार्केट्स गिर रही हैं क्योंकि इकोनॉमी सुधर रही है। हाँ, तो क्योंकि मार्केट इसलिए नहीं गिर रही कि इकोनॉमी सुधर रही है, मार्केट इसलिए गिर रही है कि इक्विटी का पैसा बॉन्ड में चला जाएगा। ओके, सुधार से ये गेम पैसे का है। हाँ, है ना, इकोनॉमी सुधरने से तो मार्केट को बढ़ना ही चाहिए और बढ़ता ही है, बढ़ेगा भी, लेकिन शॉर्ट टर्म में अचानक से बॉन्ड यील्ड बढ़ जाए तो मेरा पैसा इक्विटी का बॉन्ड में जा सकता है और जाता है। हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ कैसे है, आप में हमारे यहाँ जो हिंदुस्तान में इन्वेस्टर सब एक ही तरह के, कई सारे ऐसे जिन्होंने पूरी जिंदगी खाली रियल इस्टेट खरीदी, कई सारे लोग ऐसे रियल इस्टेट चलो घर रहने के लिए ले लिया, बाकी सारा पैसा गोल्ड में, कुछ लोग ऐसे जो सारा इक्विटी में डालते हैं बाकी और कहीं, मतलब एक एसेट क्लास जो समझ में आती है वही सब वहीं डालते हैं, वही सब। ये एसेट एलोकेशन नाम का कोई सिस्टम ही नहीं है जी, लेकिन है यूएस में है, बड़े मार्केट्स में है, वहाँ थोड़ी बहुत बॉन्ड यील्ड ऊपर नीचे खराक से पैसा इधर से उधर हो जाता है, यहाँ पैसा बढ़िया बन रहा है यहाँ डाल दो, यहाँ पैसा बढ़िया बन रहा है, हमारे यहाँ वो सिस्टम नहीं है, डाल के भूल गए, मतलब जो इक्विटी में डालते हैं वो भी वो गलत है कि आप एक ही एसेट क्लास में सारा पैसा डाल के छोड़ दें, चाहे वो इक्विटी हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे फिक्स इनकम हो, चाहे आपकी रियल इस्टेट हो, एक एसेट एलोकेशन वाला सिस्टम होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ नहीं, धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं, पहले तो जिंदगी में कोई खरीदते ही नहीं थे म्यूचुअल फंड, अब देखो लेने लगे। तो ये जो बदलाव हो रहा है, सो इन्वेस्टर्स के लिए कहीं कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं ना, आप अपने पोर्टफोलियो पे कुंडली मार के बैठे रहे ऐसे। डिप का फायदा उठा है, डिप का फायदा भी उठाना है और बने भी रहना है। फर्क क्या है मैं बता देता हूँ, इन्वेस्टर्स के लिए जो इजी मनी था, आसानी से आप कुछ भी खरीद लें, किसी भी दाम पर खरीद लें, बढ़ना ही बढ़ना है, वो टाइम गया। अब आपको स्टॉक सिलेक्शन में थोड़ा स्पेसिफिक होना पड़ेगा, रिटर्न एक्सपेक्टेशन कम करनी पड़ेगी और टाइम बढ़ाना पड़ेगा। ये तीन चीजें करनी है, क्लियर? सही स्टॉक होना चाहिए, लेने के बाद आप नीचे नहीं देखेंगे ये भूल जाइए, हैं? और आपकी पैसा कमाने की जो एक्सपेक्टेशन थी कि 50% और 100% डबल करूंगा, उसको 20-25% पे ले आइए। समझिए, और समय, पहले हफ्तों का काम दिनों में, दिनों का काम घंटों में हो जाता था, अब थोड़ा आपको टाइम लगेगा। तो पैसा तो बनेगा आप भी, और इक्विटी में बनेगा, सबसे ज्यादा बनेगा, लेकिन पेशेंस के साथ बनेगा, और थोड़ी सी एंट्री एग्जिट आपकी इक्विटी में इंपॉर्टेंट हो जाएगी, ये इन्वेस्टर्स के लिए। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, आपका अब भी 3 साल का व्यू है, 2 साल का व्यू है, कुछ आपको करने की जरूरत नहीं, पोर्टफोलियो में शांति से बैठे रहिए। समझ गया सर। अच्छी क्वालिटी के आपने म्यूचुअल फंड ले रखे हैं, अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स ले रखे हैं, छोड़ दिए, क्योंकि 10% तक का तो मुंह कभी कोई आप पकड़ ही नहीं सकते, ऊपर के 3-4% जब तक गिरे तब तक तो आप मूड बनाते कि बेचना है, और जब बेचे हैं उसके बाद नीचे बॉटम होकर 3-4% वापस रिकवर हो जाए तो वो छूट जाते हैं, तो 3% के लिए इतनी कसरत क्यों करनी है? सही बात है, छोड़ दो, तो इससे बढ़िया बने रहें, बैठे रहें। ये ट्रेडर्स का जहाँ तक सवाल है, ट्रेडर्स के लिए दीप थोड़ी सी ओवरनाइट वॉलेटिलिटी बढ़े। अब समझिए आप शॉर्ट ट्रेडर हैं जी, आप शुक्रवार को शॉर्ट करके गए, मार्केट ऐसे था, डे लो पर बंद हो रहा है, शॉर्ट है, आपने शुक्रवार को डाउ फ्यूचर भी, डाउ भी देखा, अरे वाह 50 पॉइंट ऊपर था डाउ, उसकी जगह 400-450 पॉइंट गिर गया जी। इससे बढ़िया मंडे को ओपनिंग क्या होगी, अब देखो क्या हो रही है, सही बात, 250 ऊपर है, 250 ऊपर है। सो दोनों तरफ लॉन्ग और शॉर्ट दोनों ट्रेडर्स के लिए रिस्क है इस मार्केट में, ओवरनाइट वाली। आप देखो ना कल मतलब एट द मनी कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन के दाम बैंक निफ्टी में 600-700-700 रुपये, तो इतनी प्रीमियम ऐसे ही थोड़ी लग रही है, आज सब चली जाएगी, तो नेचुरली। इसलिए अगर आप ओवरनाइट ट्रेडर्स हैं तो आपको क्या करना है, पहली चीज पोजीशन लिमिट में रखनी है, दूसरी चीज एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी को तैयार होना है, तीसरी चीज हेज होनी चाहिए, और चौथी चीज और ट्रेडर्स के लिए आज से पीक मार्जिन का वो दूसरा चरण,
टीका लग रहा है पीक मार्जिन का दूसरा दो बड़ी चीज दो बड़ी वहाँ टीका हेल्थ का लग रहा है यहाँ वेल्थ का लग रहा है, तो आपको आज से मार्जिन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाएगी। कृपया करके अपने ब्रोकर से झगड़ा ना करें, अब किसी भी रिस्क मैनेजमेंट वाले से फ्रेंचाइजी लोग जो ब्रांच वाले लोग हैं वो झगड़ा ना करें, आज से मार्जिन आपके बढ़ेंगे। इसका कुछ असर होगा वॉल्यूम्स? असर तो क्या देखिए क्या एक दो दिन थोड़ा वो रहता है कि एडजस्टमेंट का, और वैसे भी इस माहौल में ना अभी सब ब्रोकर्स के पास लिमिट ही लिमिट है। सही बात है, कोई खरीदने को तैयार तो हो और 250 पॉइंट अगर ऊपर खुल गया तो कितने लोगों की हिम्मत है कि खरीदे। तो इसलिए मुझे वो और दो तीन दिनों में तो चार दिनों में आप हैबिचुअल हो जाते हैं कि अब बढ़े हुए मार्जिन के साथ आपको काम करना है। तो ये एक दो दिनों का एडजस्टमेंट है जो समझ के माइंड में आपको बिठाना है जी। तो थोड़ी एक्टिविटी कम होगी, बस सिंपल चीज। तो आज आपके लिए दूसरा चरण शुरू हो रहा है मार्जिन का, पीक मार्जिन ज्यादा लगेंगे तो वो भी ध्यान रखना है। क्लियर है सर, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जहां पर आपको बाजार पर नजर रखनी है। सर आज के संकेत की बात करें उससे पहले एक दो चीजें और है जो जिस पर मैं टचअप करना चाहूंगा। एक तो सर ये पीक मार्जिन की बात हो गई, हमने देखा कि जो हिसाब से फ्राइडे को एफआईआई की सेलिंग हुई है वो क्या संकेत दे रही है, क्योंकि फ्राइडे को सर एमएससीआई रीबैलेंसिंग भी थी उसके बावजूद इतना बड़ा सेल फिगर निकल कर रहा है। जोर से बेचा है, जोर से बेचा। और दीप पिछले पांच सेशन में देखें तो खाली एक वो तो क्या 28-30 हज़ार करोड़ की खरीदारी बॉश की वजह से आई थी, उसको निकाल कर देखें तो आप करीबन एफआईआई की तरफ से 11 हज़ार करोड़ की पांच दिनों में बिकवा ली। पांच दिनों में से एक ही दिन ऐसा है जहां खरीदारी है और वो भी कितनी 188 करोड़ की। तो 22 फरवरी से एफआईआई सेल मोड में है, ये 28,739 करोड़ है, इसको 261 करोड़ की बिकवाली समझिए, 30,000 करोड़ का टोटल डील सही था, तो 261 करोड़ की यहाँ भी बिकवाली है। अगर वो एक बड़ा फिगर निकाल दें तो कुल मिलाकर आप समझिए 11,000 करोड़ के आसपास की एफआईआई ने पांच दिनों में बिकवाली की, उसमें भी बड़ा बटन दबाया उन्होंने शुक्रवार को। तो अब आज के लिए आपके लिए सबसे बड़ा नेगेटिव एक ही है कि क्या ये और बेचेंगे। इसमें दो चीजें हैं, पहली चीज तो ये कि जो पांच दिनों के डेटा वो ट्रेंड दिखा रहे हैं जी कि एफआईआई नेगेटिव हो रहे हैं बाजार पे और बेच रहे हैं, उस हिसाब से खराब है। लेकिन पॉजिटिव साइड पे क्या है वो बता दूं। पॉजिटिव साइड पे क्या, एफआईआई की इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन घटकर 61% पे आ गई, सीरीज की शुरुआत मार्च में 76% पे की जी, 80% के ऊपर जाते नहीं है, करेक्ट, वहां से बेचना शुरू कर, 60 के नीचे आमतौर पर जाते नहीं, 40-42 गए थे पिछले साल फरवरी मार्च में एक्सट्रीम सिचुएशन में, अदरवाइज नॉर्मल सिचुएशन में 60-58 बहुत हो गया जी, वहां पर आते एफआईआई बेचना रोक देता है। तो उस हिसाब से तो देखें सीरीज के पहले दिन ही हल्के हो गए, तो एक ही दिन में पीक से बेस पर आ गए, पीक से बेस की तरफ आ गए। तो 61% लॉन्ग है एफआईआई के, तो अब ज्यादा बेचेंगे नहीं जी, और आज तो मूड माहौल बढ़िया है वापस से खरीदने के लिए, तो जो परसों बेच के गए आज ले लीजिए। तो ये पॉजिटिव साइड पर है। बाकी आप देखिए इसमें कोई डाउट नहीं कि 3800 करोड़ के इंडेक्स बेचे पहले ही दिन, 700 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स भी बेचे, और स्टॉक फ्यूचर्स मिला के देखो तो 9000 करोड़ की स्टॉक्स की बिकवाली है, बहुत बड़ी है जी। तो उस लिहाज से डेटा एफआईआई की बहुत खराब। तो मेन ट्रिगर अब हमारी रिस्क जो है ना दीप, ग्लोबल मार्केट्स की कम है, एफआईआई की सेलिंग की ज्यादा है। क्यों? एफआईआई की सेलिंग हमें पता है कि किसी दिन तो बेचेंगे, लेकिन रिस्क ज्यादा क्यों है ये समझना जरूरी है। ये इसलिए पिछले 6 महीने से म्यूचुअल फंड खरीद नहीं रहे, नेट इन्फ्लो है नहीं जी। अब आप देखिए शुक्रवार को इतना तेज गिरे हम, कायदे से म्यूचुअल फंड को दबा के लेना चाहिए, लेकिन लिया कितना 1500 करोड़ का। अब पैसा होगा तो खरीदेंगे ना, अगर म्यूचुअल फंड से लोग पैसा निकाल रहे हैं या एसआईपी को छोड़ के नया पैसा बड़ा नहीं आ रहा है तो उनकी लिमिटेशन है खरीदने की, करेक्ट, और वही दिख रहा है। तो जो लिक्विडिटी का बैलेंस होना चाहिए वो बैलेंस एफआईआई का और डीआईआई का नहीं हो रहा जी, वो बैलेंस सिर्फ इस बात का हो रहा है कि 80% के आसपास पहुंचती एफआईआई तो लॉन्ग कम कर लो, 60% के आसपास आती है तो शॉर्ट कम कर लो, तो एफआईआई ही अपने आप कर रहे हैं। तो उस हिसाब से अगर समझें कि यहाँ रुक जाएं और रुकने चाहिए तो बढ़िया, बाकी घरेलू फंड में वो ताकत नहीं है कि वो फ्लोस को संभाल सके, तो ये बड़ी दिक्कत है। और इसीलिए आपने देखा शुक्रवार के दिन ज्यादा शेयर दिग्गज गिरे जी, करेक्ट। अगर 1500 करोड़ के घरेलू फंड ने खरीदी भी होगी तो उन्होंने कोई बड़े स्टॉक नहीं खरीदे होंगे, ये मिड कैप स्मॉल कैप वाले जो उनके पसंद वाले हैं वही लिए, और ये आंकड़ा तब है जब एमएससीआई की रिबैलेंसिंग, और कुछ ना कुछ तो एमएससीआई रिबैलेंसिंग की वजह से भी पैसा आया। तो इसलिए आज से थोड़ी सी एफआईआई की होल्डिंग वाले दिग्गज शेयरों में, मुझे याद है सोमवार शुक्रवार को हमने लिंक भी किया था कि कौन से वो स्टॉक्स हैं निफ्टी के बाहर जिनमें एफआईआई की होल्डिंग ज्यादा है, जैसे श्रीराम ट्रांसपोर्ट वगैरह, तो वही सबसे ज्यादा गिरे थे। तो जो एफआईआई की होल्डिंग वाले शेयर वो थोड़े से सावधान रहने की जरूरत, तो ऊपर में अभी नहीं, आज नहीं, आज तो एक बार रिकवर होंगे ही, लेकिन ये थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है।
बिल्कुल सर, और आज रिकवर होंगे और आज के जो संकेत हैं उस पर एक और कमेंट आपसे लेना है सर। उससे पहले एक जो हमने पिछले कुछ दिनों पहले डिस्कशन किया था उसका एक रिकैप आपको दिखाते हैं और फिर उस पर मैं सवाल पूछूंगा अनिल जी के साथ। 5% तक के करेक्शन आमतौर पर रनिंग करेक्शन है, 5% से ज्यादा अगर मार्केट कहीं किसी लेवल से नीचे आ रहा है वो साइजेबल करेक्शन है। और 15,525 से लेकर 16,285 ये वो रेंज निकल कर आती है जहां से एक मीनिंगफुल बड़ा करेक्शन आ सकता है। सर इसी पर आपसे बात करनी है, 2 हफ्ते पहले का ये हमारा डिस्कशन था, हमारा जो फॉर्मूला था जिससे एक टॉप निकालने की हमने कोशिश करी थी वहां पर आपने कहा था कि इन्हीं लेवल से आएगा, ऑलमोस्ट उसी लेवल से करेक्शन आया 15,431 यानी कि 7500 पॉइंट। वो तो थोड़ा आप कहते हैं एडजस्टमेंट हमेशा हो गई, वहां से 1000 पॉइंट लगभग फिसल चुके हैं फ्राइडे का लो अगर देखें। अब क्या समझे, ये मीनिंगफुल करेक्शन हो गया या और भी स्पेस है? 5% के करेक्शन को मैं रनिंग करेक्शन मानता हूँ। 5% मतलब कितना हो गया, 700 पॉइंट करीबन 700 पॉइंट। तो 15,400 से 700 पॉइंट निकाल लीजिए, 14,650 वहाँ तक अभी आए, उसके आसपास हैं, 100 पॉइंट इधर उधर कर लीजिए, तो ब्रॉडली हम करेक्शन यहाँ पर करेक्शन खत्म करने के आसपास है अगर यही छोटा करेक्शन देखना है। बड़ा करेक्शन 5 से 15% के बीच का होता है, तो इस बड़े करेक्शन में जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन अब निफ्टी के लिए 14,350 या यूँ समझ लीजिए 14,250 से 14,350 गिन लीजिए, 14,300 के आसपास का लेवल है, 50-75 पॉइंट इधर उधर गिन लीजिए 14,300 के आसपास। मेरे हिसाब से उसके नीचे नहीं जाना चाहिए इस करेक्शन में, अगर फर्ज करें उसके नीचे जाता है करेक्शन गहरा होता है, ठीक है। तो जो हमारा फॉर्मूला है, हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, हमारा फॉर्मूला ये कहता है कि आपके लिए करेक्शन के दौर में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है वो 13,250 से लेकर 13,250 एक प्रिसाइजली होता है, 13,550 और 13,850 होता है, तो कहीं ना कहीं आप इस रेंज में जाकर रुक जाएंगे। तो अगर आप इन्वेस्टर है तो आपको ये मान के चलना है मेरी मैक्सिमम रिस्क क्या है, मेरी मैक्सिमम यहाँ से 1000 पॉइंट की ओर है जी, ठीक है। इस 1000 पॉइंट के रिस्क के लिए क्या मैं अभी सब बेच दूँ, जवाब है ना। अगर बेचना ही है तो फिर आप वापस ऊपर आने दें तब बेचें, अगर नहीं बेचना तो फिर अगर इस 1000 पॉइंट के रिस्क पे मुझे ये करना है 14,300 के आसपास पहली इंस्टॉलमेंट डालनी है और पैसा डालना है, 13,850 के आसपास दूसरा डालना है, 13,550 और 13,250 वहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा करके मैं पूरा इन्वेस्टेड हो जाऊँगा और उसके बाद वापस से आपकी तेजी वाला माहौल, ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो और अगर आप इसके ये लेवल्स नहीं आते हैं तो आप इन्वेस्टेड हैं है। फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर आपको 15,550 से लेके 16,250 तो मिनिमम है ही, अल्टीमेटली इस बुल रन के टारगेट जो 17,150 या 17,250 कुछ थे, 17,000 से लेके 21,000 ब्रॉडली इस रेंज तक जाना है जी, जाना है जाएगा, कॉन्फिडेंस रखिए। क्योंकि अभी आपने ये सवाल पूछ के अच्छा किया, क्योंकि इस वीकेंड में बहुत सारे फोन आए जी, लोग पूछ अरे क्या करें, सब बेच दें क्या, ये क्या, नेचुरली चिंता करेंगे जिस तरह से 2-3 दिनों में 4 दिनों में जोर से गिरा। ऐसे जनवरी में भी एक बार ऐसा हुआ था करेक्ट, जब 5-7 दिन तक एफआईएस ने बेचा लोगों को लगा कि टॉप बन गया, करेक्ट। अभी तक टॉप बनने वाले संकेत है नहीं दीप, हाँ ये जरूर आप कह सकते हैं कि 15,100-15,300 वो रेंज है जहाँ पर वापस आता है तो आप चाहें तो थोड़ा हल्का हो जाइए, थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लीजिए, वो एक कर सकते हैं। और फ्रेश तेजी आपको 15,500 पार होने के बाद और बढ़िया भरपूर तेजी नए हाइज की तरफ जाएंगे वो सब होगा, लेकिन तब तक आप ये मान के चलें कि आपके लिए ब्रॉडली रेंज 14,300-15,300 होगी। ओके, इस रेंज को आपको ट्रेड करना है, सिंपल बस, क्लियर है सर। चलिए फिर आज के संकेत बात करते हैं, कुछ और चीजें हैं जहां पर चर्चा करेंगे सर आपके साथ, पर आज का सेटअप समझाएं, क्योंकि ये जो बाइडेन साहब ने 1.9 ट्रिलियन डॉलर्स का पैकेज एटलीस्ट कांग्रेस ने तो पास कर दिया है, उसका क्या मायने रहेगा? देखो दो चीजें दीप, एक तो हाँ आज के सेटअप की बात करते हो, अब बाजार अच्छा हो या खराब पैसा बनाने का मौका तो होना चाहिए, करेक्ट, ठीक है। तो पैसा बनाने का एक मौका और भी है जी, गोल्ड में, तो आज हम दिन में 1 बजे गोल्ड बॉन्ड की पाठशाला करने जा रहे हैं, तो मतलब कई सारे लोग मुझे ये भी पूछे, अब जैसे 12वां चरण शुरू हो रहा है आज से गोल्ड बॉन्ड फंड का, 4,600 रुपये कुछ पे वो आ रहा है जी, तो लोग पूछ रहे हैं कि भाई पैसा लगाए ना लगाएं, तो अब लगाएं तो क्या है कि छोटी छोटी चीज़ें जो लोगों को पता नहीं होती है, कैसा ब्याज मिलता है, कितना मिलता है, गोल्ड के भाव ऊपर नीचे हो गए तो क्या होगा, टैक्स कितना लगता है, ये सारी चीजों के जवाब आज 1 बजे मिलेंगे, तो मेरी पूरी तैयारी है। तो जो आप बात कर रहे थे एसेट डाइवर्सिफिकेशन की, एग्जैक्टली, और एसेट डाइवर्सिफिकेशन के लिए इससे बढ़िया मौका मिलेगा नहीं आपको,
तो गोल्ड बॉन्ड की पाठशाला आज 1 बजे करेंगे, वहाँ मैं बताऊँगा। उससे पहले बाइडेन साहब वाला जो मामला है वो ठीक है, सही वक्त पर उन्होंने रिलीज दे दी। अब अच्छी बात मुझे जो लगी वो ये है कि ट्रंप साहब की तरफ वो भी मार्केट को टाइम कर रहे हैं, एकदम सपोर्ट लेवल पर उनका एक्शन हुआ है, ट्वीट नहीं हुआ है, एक्शन हुआ है। सही बात है, कोइंसिडेंटली मजाक की बात है, लेकिन अच्छी बात है कि ये रिलीफ चाहिए आप, करेक्ट। तो ठीक है, अब सीनेट में कब कैसे पास होता है वो देखने वाली बात है, बट एटलीस्ट एक चीज़ जो हुई है दीप, वो ये कि अमेरिकी बाजारों में नीचे की रिस्क कम हो गई है। जो 2 दिनों में अमेरिकी बाजार 1000 पॉइंट से ज़्यादा गिरे हैं डाउ पर, अब कम से कम आपके लिए रिस्क कम हो जाती है। और दूसरी बात क्या होता है, देखिए बाजार के गिरने में भी दीप क्या है कि आप किस वजह से गिर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वाकई में इकोनॉमी में रिकवरी आ रही है, मॉन्डल्स बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, नौकरियां बढ़ेंगी, इस वजह से गिरे तो ये अच्छे रीजन है जी, ये खराब वाले रीजन नहीं जिससे आप दुखी होकर गिरे। सही बात है, गिरने के लिए आपके पास बहुत सारे खराब खराब रीजन भी हमेशा मिलते हैं जी, करेक्ट। तो वो आपके लिए तकलीफ वाले, ये रीजन ऐसे नहीं कि जिससे परमानेंट मंदी है, करेक्शन है, मंदी नहीं है, करेक्ट। करेक्शन और मंदी में जो फर्क है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई दिक्कत की बात है अमेरिका में। ठीक है, अनाप शनाप तेजी भले ही ना हो, लेकिन वो तो लाइफ टाइम हाई से 1000 पॉइंट ही गिरे, अमेरिका में कोई डाउ ज्यादा थोड़ी गिरा है, 1000 पॉइंट ही गिरा है, तो इसलिए कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं है। मुझे लगता है कि ठीक है, रेंज बाउंड अमेरिकी मार्केट रहेंगे और उस लिहाज से आपको भी कोई दिक्कत वाली बात, कोई दिक्कत। आज के संकेत ग्लोबल पॉजिटिव साइड है, FIs के नेगेटिव साइड में, घरेलू संकेत फंड्स के संकेत बड़े दिनों बाद पॉजिटिव साइड पर आए, वायदा कारोबार के संकेत पॉजिटिव हैं, ये हम आगे डिस्कस करेंगे अच्छे से। सेंटीमेंट न्यूट्रल है, मतलब समझ नहीं आ रहा है, मतलब कि 1000 पॉइंट के फॉल को 2 दिनों के उसको उससे दुखी हों या 200-250 पॉइंट की तेजी से खुशी मनाए, लेकिन फिलहाल इसलिए इन दोनों भावनाओं के बीच में न्यूट्रल है, ट्रेंड न्यूट्रल है जो क्लोजिंग के बाद हुआ। 14,665 दिन का मजबूत सपोर्ट जोन है, जो कि शुक्रवार का लोअर, शुक्रवार की क्लोजिंग को मानकर चलें। इसके नीचे वैसे जाएंगे नहीं, आज जाने भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी 14,375 मेरे लिए मजबूत सपोर्ट जोन है, जहां पर आपको शॉर्ट कवरिंग और खरीदारी करनी चाहिए। ऊपर में 14,650-14,725 इस रेंज में हम खुलेंगे कहीं नहीं आज, इस रेंज, ये रेंज कंजेशन जोन है। ताकत का पहला अंदाजा आपको 14,725 के ऊपर से लगाना है। ओके, जब तक 14,725 पार के करके निफ्टी ना टिके तब तक आप बहुत खुशमत हों, यानी कि आपके लिए 200 पॉइंट बढ़ जाए निफ्टी तब तक आप नीचे वाले ट्रेंड में, नीचे वाले में ही हैं। 14,725 के ऊपर से, और ये स्पॉट लेवल बन रहा हूँ जी, यहाँ 14,717 उसमें 50 पॉइंट आप प्रीमियम निकाल लोगे तो आपको लगे 14,650-675 की रेंज में, वहीं खुलने चाहिए। और उसके बाद देखते हैं ताकत कितनी है, क्या FI जो हल्के हो चुके हैं वो लेने आएंगे, क्या शॉर्ट्स जो है वो कवर करने आएंगे, या फिर जो यहाँ तक फंसे हुए हैं वो मेरा भाव आया बेचो। सब तरह के लोग हैं ना मार्केट में, तो किसका पेशेंस पहले खत्म होता है, ये गेम हु ब्लिंक्स फर्स्ट, वैसा वाला मामला। पहले लगता है कि तेजी करने वाला डरा है, बोले तो नेचुरली टिकेंगे नहीं, नीचे आएंगे, और मंदी करने वाले बोले ये तो सब बाइडेन साहब ने गेम ही पलट दिया, काटो खत्म करो, हो गया करेक्शन, 1000 पॉइंट ऊपर से नीचे आ गया, अब क्या करना है। सो किसकी ताकत कितनी है वो देखनी है 14,725 पर, अंडरस्टूड, बस वो इंपॉर्टेंट, वो इंपॉर्टेंट 14,725 लिख के रख लीजिए, अंडरस्टूड, ठीक है। अब आइए ऊपर की रेंज, 14,800-14,900 हायर रेंज है अगर आया तो। बैंक निफ्टी 34,650-34,800 ये भी वही सेम शुक्रवार के लो और शुक्रवार की क्लोजिंग है। इसके नीचे 34,000-34,275 मजबूत सपोर्ट जोन है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये ब्लाइंड बाय और आंख बंद करके खरीदने का, वो तो नहीं है, लेकिन मजबूत सपोर्ट जोन है। जो निफ्टी में कॉन्फिडेंस है वो बैंक निफ्टी में नहीं है। ओके, ऊपर की तरफ 35,250-35,575 ये रेंज है ऊपर की, जिस जो सुबह सुबह के लिए आपके लिए काम की रहेगी, जहां आप खुलेंगे 35,700-35,850 परफेक्ट प्रॉफिट बुकिंग या बिकवाली वाली रेंज है, जहां पर आपको फोकस करना है। आज के दिन की रेंज क्या है? दिन की रेंज बेसिकली इन्हीं में से निकल कर आ रही है, 14,635-14,725 गैप से खुलने के बाद आपको इस रेंज पर फोकस करना है। इस रेंज से 14,635 के नीचे ट्रेड करना शुरू करें, कमजोरी शुरू हो गई। 14,725 के ऊपर, क्योंकि आप गैप से खुल रहे हैं ना, गैप से खुलने के बाद क्या, तो ये रेंज आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करके रख लीजिए। अगर 14,635 के नीचे ट्रेड करना शुरू करते हैं, आपका कमजोरी का संकेत पहला आ गया दिन के लिए। 14,725 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करते हैं, जहां खुले वहां से मजबूती का संकेत पहला आ गया, ये रेंज नोट करके रखिए। इसके बाद
14,525, 14,800 ये दिन की मीडियम रेंज है। बड़ी रेंज की शायद जरूरत ना पड़े, एकेडमिक पर्पज के लिए रख लीजिए 14,450, 14,900। बैंक निफ्टी 35,000, 35,250 इस रेंज में ताकत आजमाइश होगी, यहीं कहीं खुलने चाहिए। लेकिन अगर इसके ऊपर खुल गए तो 34,850, 35,575 ये आपके लिए रेंज है मीडियम वाली, जिस पर आपको फोकस करना है। 34,650, 35,700 ब्रॉडली 1,000 पॉइंट की ये रेंज निकल कर आती है बैंक निफ्टी में। अदरवाइज तो बहुत बड़े बड़े लेवल निकल कर आ रहे हैं, लेकिन मैंने इस हिसाब से आपको दिया, मैं गैप अप को एडजस्ट करके ये लेवल्स आपको दे रहा हूँ। ये एक बार बड़े गैप से खुल गए तो फिर क्या, समझ गया। लेकिन बहुत बड़े गैप से खुलेंगे इसकी संभावना मुझे कम दिखती थी। इतना बड़ा गैप नहीं होगा, 225 पॉइंट जो दिख रहा, तो मैं तो सोचता था 7 बजे खोल दे, 300 पॉइंट ऊपर इतना ऊपर है तो इतना ऊपर नहीं होगा, मुश्किल लगता है। अच्छा सर, ठीक है। वैसे आपने FIs की पोजीशनिंग समझा दी सर, पर कुछ और जो वहां से समझना? पुटकॉल रेशियो 0.93 ओवरसोल्ड है। अब आप कह सकते हैं सर अभी इसमें तो क्या बड़ी बात है कि ये तो, लेकिन मैं हमेशा से ही कहता आया हूँ एक के नीचे का पुटकॉल रेशियो मार्केट में शॉर्ट कवरिंग। अब वो शॉर्ट कवरिंग 9:15 बजे ही हो जाएगी या खुलने के थोड़ी देर बाद नीचे आके होगी। अब दो बार ऐसा हो गया जब पुटकॉल रेशियो ओवरसोल्ड होता है गैप से ऊपर खुल रहा है मार्केट, दूसरी बार ये हो रहा है। सही बात, तो अब खुल रहा है तो खुल रहा है आपके पास कोई, ये तो फिर लास्ट में क्लोजिंग वाला देखो फ्राइडे के दिन की इस पुटकॉल रेशियो पर हम शॉर्ट करके जा रहे हैं क्या। अब वो किसी वजह से गैप खुल सकता है, तो अब गैप से ऊपर खुल रहा है तो पुटकॉल रेशियो ओवरसोल्ड है, यहाँ शॉर्ट कवरिंग आना था। लेकिन जो सबसे बड़ी चिंता की बात है वो विक्स, 23% विक्स बढ़कर आया है शुक्रवार को। ये सबसे बड़ा डिस्कम्फर्ट अमेरिका के लिए, हमारे लिए, सबके लिए, कि मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ने के जो संकेत आ रहे हैं वो ठीक नहीं, यानी कि अब इजी मनी नहीं, आसानी से पैसा बनना बंद हो गया, अब मुश्किल से बनेगा, तो आपको क्वांटिटी कम कर लेनी है, संभल कर करना है। मतलब आप वो किस्मत से जो पैसा बनाने का मैं सोचता हूँ ऊपर जाएगा या मैं सोचता हूँ, वैसा नहीं चलेगा, थोड़ा एफर्ट ज्यादा लगेगा, एफर्ट ज्यादा लगेगा और कन्विक्शन वाले ट्रेड चाहिए, कम कन्विक्शन वाले नहीं। समझ गया। जिनकी लॉन्ग पोजीशन है 14,600 का इंट्राडे में स्टॉप लॉस रखे और 14,525 जो शुक्रवार की क्लोजिंग है वो आपका क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस होना चाहिए। बैंक निफ्टी पर इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों 34,800 का स्टॉप लॉस रखिए अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है तो। शॉर्ट पोजीशन जिनकी उनके लिए स्टॉप लॉस इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों 14,725 का है, इसके ऊपर काट लें। और निफ्टी पे 35,275 छोटा दिया है बैंक निफ्टी पे दीप जी, हो सकता है खुलते कट भी जाए, तो कट जाए तो कट जाने दो क्योंकि मुझे ज़्यादा रिस्क रखवानी नहीं है। शॉर्ट है तो भाई ठीक है ना, आप काट के ख़त्म करो, है ना। तो ये आपके लिए स्टॉप लॉस हो गए, ठीक है सर। जो नई पोजीशन खरीदे निफ्टी 14,525 के स्टॉप लॉस के साथ 14,650, 14,675, 700, 725 और 14,800 ये फाइनल टारगेट है निफ्टी के लिए ऊपर की तरफ अगर आता है तो, नहीं तो 14,650 से 14,725 की रेंज कहीं कहीं निकल कर आती है, ठीक है। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं, अब कहाँ से शॉर्ट करना है ये सोचने वाली बात है। अगर दम नहीं दिखाया तो 14,700, 14,725 पर भी शॉर्ट हो जाता है, लेकिन दम दिखाए तो 800 से वहां से शॉर्ट करना मुझे ठीक लगता है। 14,800, 14,900 परफेक्ट रेंज है जहाँ शॉर्ट करना ही चाहिए, करना ही चाहिए, करना चाहिए नहीं करना ही चाहिए, हाँ ठीक है करना ही चाहिए, एक बार वहाँ चांस लेना चाहिए। 14,925 का स्टॉप लॉस है आपका, क्लियर है, ठीक है, ठीक है। 725, 675, 14,650, 14,600 मैक्सिमम ये टारगेट है जिनके लिए आपको शॉर्ट करना चाहिए, क्लियर, ठीक है। जो बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहे हैं वो 35,000 का स्टॉप लॉस रखे, 34,800 आप बंद हुए। मैं 200 पॉइंट का क्वेश्चन लेकर आपको 35,000 का छोटा स्टॉप लॉस दे रहा हूँ, 35,250 शायद वहाँ खुले हम, 35,575, 35,700, 35,750 और 35,850 ये टारगेट के लिए बैंक निफ्टी में खरीदारी करनी चाहिए। अब बैंक निफ्टी में बेचे कहाँ, अब प्रॉब्लम क्या है दीप, 1800 पॉइंट अगर बैंक निफ्टी शुक्रवार को गिरा हो तो क्या आप 1000 पॉइंट ऊपर ही बेच सकते हैं क्या? सही बात, हिम्मत चाहिए। तो अब एग्रेसिव ट्रेडर आप हैं तो चांस लीजिए, 35,850 से 36,000, 36,100 की रेंज तक का लीजिए। 36,150 आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा बैंक निफ्टी पर शॉर्ट साइड पर, 35,600, 35,275। एक चीज बताना चाहता हूँ आपको, देखिए 35,600 और 35,275 के बीच में 325 पॉइंट का गैप है, लेकिन बैंक निफ्टी में बीच में कोई लेवल ही नहीं निकल के आ रहा है। ये 325 पॉइंट का बड़ा गैप है, इस गैप के बीच में कहाँ कुछ एक नया लेवल निकलेगा वो पता नहीं, लेकिन आप उस पर ध्यान रखिए 35,275, 35,100 और 35,000 तक के टारगेट के लिए बैंक निफ्टी को आपको ऊपर में शॉर्ट करना चाहिए। लेकिन जो भी करें आप, लॉन्ग करें, शॉर्ट करें और स्पेशली ऊपर में शॉर्ट करें, स्टॉप लॉस आपका स्ट्रिक्टली फॉलो होना चाहिए, बिना स्टॉप लॉस के ना करें, क्योंकि अगर मूड माहौल बनना है हल्के बाजार में घूमना है तो भी सही दिन है, और अगर वापस से जोर से सेलिंग आनी है तो भी आज सही दिन, ठीक है सर।
क्लियर है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बिल्कुल बिल्कुल, फंड्स का डेटा तो सर आपने समझा ही दिया, पर जो आप बता रहे थे वायदा कारोबार को एफएनओ में और कुछ खास ऐसे डेटा? खाली पुट कॉल रेशियो की वजह से हमने कहा, बाकी शॉर्ट्स दबाकर बने, 16 लाख शेयर निफ्टी में जुड़े हैं, 568 पॉइंट निफ्टी बंद हुआ है, इतने शॉर्ट्स हैं। बैंक निफ्टी में 6 लाख शेयर जुड़े हैं, 1745 अंक नीचे बैंक निफ्टी बंद हुआ है, प्रीमियम घटकर आ गई है बैंक निफ्टी में, देखो 170 वाली प्रीमियम 66 पॉइंट रह गई, 100 पॉइंट तो आपके ऐसे निकल गए, है ना। लॉन्ग पोजीशन है तो 100 पॉइंट का एडिशनल नुकसान एक तरह से, निफ्टी में भी 72 पॉइंट से 50 पॉइंट प्रीमियम रह गए, तो ठीक है। बाकी डेटा हम डिस्कस कर ही चुके हैं, एफएनओ के सेम ही है, ठीक है, क्लियर है। तो ये आज का पूरा सेटअप है आपके लिए और कहाँ से संकेत समझने हैं। आइए देखते हैं कौन से स्टॉक्स हैं जहाँ पर आपको रखनी है नज़र। रिसर्च टीम हमारे साथ तैयार है, वरुण साथ ही कुशल और मानसी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वरुण, आपसे शुरुआत करते हैं, गुड मॉर्निंग, बताएं आज के ट्रिगर्स और खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं। गुड मॉर्निंग दीप, सबसे पहले ट्रिगर्स की बात करें तो आज भी नतीजे आएंगे, कैश में लिंडे इंडिया का नतीजे आने वाले हैं, साथ ही साथ नतीजे के साथ डिविडेंड पे बोर्ड बैठक है, तो ये काउंटर आपके नज़र पे होनी चाहिए। आज से ऑटो बिक्री के नंबर्स आने वाले आपके, तो यहाँ पे नज़र रखिए कि किस तरह से ऑटो बिक्री के नंबर्स आते हैं। 4G स्पेक्ट्रम की नीलामी शुरू हो गई है, तो टेलीकॉम स्टॉक्स और साथ साथ MSTC को भी अपने रडार पर रखिएगा। जो पीक मार्जिन है उसका सेकेंड फेज जो है वो आज से लागू हो गया, तो उसका भी इम्पैक्ट आपको देखने मिलेगा, तो पूरा मार्केट साथ ही साथ ब्रोकरेज फर्म्स पर अपने रडार पर रखिएगा। टेक्समेको रेल बोर्ड की बैठक है, पूंजी जुटाने पर बोर्ड विचार करने वाला है। टाटा स्टील के शेयरधारक को आज खास नज़र रखनी है, क्योंकि पार्टली पेड अप शेयर्स का जो भुगतान करना है बाकी बचे कुछ पैसे का 461 रुपीज़ का, उसकी तारीख जो है आज से शुरू हो जाती है, 15 मार्च को ये ख़त्म होने वाली है। शिपिंग कॉरपोरेशन विनिवेश के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जमा करने के लिए आज अंतिम तारीख है। पावर ग्रिड अंतरिम डिविडेंड पर बोर्ड विचार करने वाला है आज। और प्राइस बैंड रिविजन हुआ है आपके फेवरेट स्टॉक हिंदुस्तान कॉपर में, 10% से कम होकर अब ये 5% हो गया है। इसके अलावा खबरें हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में पानीपत रिफाइनरी के क्षमता विस्तार के लिए 33,000 करोड़ के आसपास की निवेश के लिए बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। क्षमता विस्तार से रिफाइनरी की कैपेसिटी जो है 15 MMTPA से बढ़कर 25 तक होने वाली है। सितंबर 2024 तक कामकाज पूरा होने का अनुमान लगाया जा रहा है। साथ ही साथ LPG सिलेंडर के जो दाम है वो फिर से बढ़ गए हैं, 25 रुपये से बढ़ चुके हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ या US की टेक्नोलॉजी कंपनी स्काईट्रैम में हिस्सेदारी जो है इस कंपनी ने 26.31% से बढ़ा के 54.46% कर दी है। करीब 200 करोड़ के आसपास का निवेश जो है वो इस कंपनी ने यहाँ पे किया है। रिलायंस के पास अब मेजॉरिटी हिस्सेदारी जो है इस कंपनी में हो चुकी है। टाटा मोटर्स, इस कंपनी का इन्वेस्टर डे था फ्राइडे को, तो इस प्रेजेंटेशन में काफ़ी कुछ निकल के आया है। इस कंपनी ने कहा है कि JLR की Q4 की रिस्ट्रक्चरिंग में के तहत JLR 1.4 अरब डॉलर का राइट ऑफ करने वाला है और FY23 तक कैश फ्लो पॉजिटिव होने का यहाँ पे लक्ष्य रखा गया है। मार्केट शेयर बढ़ाने पे इस कंपनी का पूरी तरह से फोकस है। EV के लिए 2024 तक सालाना 25,000 करोड़ के आसपास का निवेश का लक्ष्य रखा गया है और कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग क्षमता 5 साल में 25% घटाने की यहाँ पे योजना है। अगले 5 सालों में इलेक्ट्रिक JLR लॉन्च करने की यहाँ पे योजना रखी गई है। तो काफ़ी कुछ कहा है ये प्रेजेंटेशन में, तो वहाँ पे आपकी नज़र होनी चाहिए टाटा मोटर्स पे। KEC इंटरनेशनल फिर से ऑर्डर मिल गया है, 1140 करोड़ का इस कंपनी को नया ऑर्डर मिले हैं। रेलटेल हाल ही की लिस्टिंग के दिन ही देखिए 106 करोड़ के ऑर्डर इस कंपनी को मिल चुके हैं। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स 15 रुपये प्रति शेयर की दूसरी अंतरिम डिविडेंड को मंजूरी दे दी है, जिसकी रिकॉर्ड डेट 8 मार्च की है। ओके, तो ढेरों स्टॉक्स हैं खबरों में और कुछ और स्टॉक्स हैं और फंड एक्शन भी इंटरेस्टिंग, जानते हैं कुशल के साथ। गुड मॉर्निंग कुशल, बताइए। गुड मॉर्निंग दीपांशु, एफएल इंडिया पर नजर रखिए क्योंकि कंपनी की जो पूंजी जुटाने पर बोर्ड बैठक थी उसका फैसला आ गया है, करीब 1100 करोड़ रुपए जुटाएंगे और मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसमें वारंट्स, बॉन्ड्स, प्रेफरेंशियल इश्यूज या QIP, इन चारों ऑप्शन में से ये पूंजी जुटाने पर विचार करेंगे। इनफैक्ट इक्विटास होल्डिंग पर को भी अपनी फोकस लिस्ट में रखिए क्योंकि यहां पर जो यूके के इन्वेस्टर है, यूके गवर्नमेंट्स का जो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है CDC ग्रुप, उन्होंने कंपनी में हिस्सेदारी अपनी 7.84% से घटाकर 5.23% अप कर दी है। इसके अलावा टेक्समेको रेल एंड इंजीनियरिंग पर आप अपने रेडार पर रखिए क्योंकि प्रमोटर यहां पर जो टेक्समेको इंफ्रा है उन्होंने अपनी कंपनी में हिस्सेदारी 2.65% से कम की है और अब उनकी जो रिवाइज हिस्सेदारी हो गई है वो 23.37% पर हो गई है। अपोलो ट्राइको ट्यूब्स, यहां पर कंपनी ने जो श्री लक्ष्मी मेटल उद्योग लिमिटेड है उनको अपना कारोबार के साथ जोड़ा है, तो ये अमलगमेशन की खबर है और शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर के अप्रूवल के बाद जो है इस प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा।
यही नहीं, आप बैंक्स भी जो है वो भी फोकस में रहेंगे। यहाँ पर जो खबरें आ रही हैं, 9 बैंक मिलकर जो है बैड बैंक्स में करीब 7000 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे, जिसमें SBI, PNB, BOB, ICICI, एक्सिस, PFC और REC जैसे नाम शामिल हैं। यही नहीं, अशोक लेलैंड यहाँ पर भी फोकस रखिए, क्योंकि कंपनी ने बैंकर्स को हायर किया है, जो उनकी सब्सिडियरी कंपनी है स्विच मोबिलिटी, UK बेस्ड सब्सिडियरी है, उसके पॉसिबल मर्जर के लिए, जो स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी है उसके साथ ये पॉसिबल मर्जर हो सकता है, और इसके लिए जो प्रिलिमिनरी स्टेज पर है ये जो बातें चल रही हैं, और जो डील की जो कंपनी की वैल्यूएशन लगाई जा रही है वो करीब $2 बिलियन की लगाई जा रही है, ये स्काई न्यूज की तरफ से रिपोर्ट आती हुई नजर आ रही है। पूर्वांकरा यहां पर भी फोकस है, क्योंकि कंपनी जो है प्लॉटेड डेवलपमेंट सेगमेंट में कारोबार में इन्होंने एंट्री ले ली है, और अगले 6 से 7 महीनों में करीब 6 प्रोजेक्ट्स ही चालू करेंगे। 825 करोड़ रुपए का निवेश करने की कंपनी की योजना है। कुछ बल्क डील्स है मेरे पास, जिसमें भारतीय एयरटेल यहां पर सबसे बड़ी बल्क डील होती हुई दिखी है। इंटीग्रेटेड कोर स्ट्रेटजीज एशिया ने ऑलमोस्ट 4.25 करोड़ शेयर्स की बिकवाली की है, करीब 556 रुपए प्रति शेयर के भाव पर। रेलटेल, आप देखिए 3 फंड हाउसेज हैं, इनफैक्ट यहां पर गोल्डमैन सैक्स और निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड दोनों मिलाकर करीब करीब 1 करोड़ से ज्यादा शेयरों की खरीदारी हुई है, 109 रुपए से लेकर 116.30 रुपए प्रति शेयर के भाव पर। और अंत में एसएब इंडिया यहां पर बिकवाली की है, एकेशिया पार्टनर्स ने करीब 3.25 लाख शेयरों की 2.15% इक्विटी है 1865 रुपए के भाव पर, और उसके अगेंस्ट SBI म्यूचुअल फंड ने करीब 3 लाख शेयरों की खरीदारी की है करीब करीब 2% स्टेक का। तो एसएब इंडिया पर भी आपको नजर रखनी है फंड एक्शन के लिहाज से। बिल्कुल, तो इंटरेस्टिंग डे रहा फंड एक्शन के लिहाज से, कई सारा प्रमोटर एक्शन भी है और ढेरों स्टॉक्स हैं फोकस में। आज ब्रोकरेजेस का क्या कहना है ये भी जान लेते हैं FIR में। गुड मॉर्निंग मानसी, बताएं। गुड मॉर्निंग दीपांशु, टाटा मोटर से शुरुआत करूंगी। 2 रिपोर्ट्स आई हैं CLSA से और साथ ही क्रेडिट स्वीस की। CLSA की रिपोर्ट में खरीदारी की राय बरकरार रखी गई है, लक्ष्य उन्होंने 425 के बताए हैं। रिपोर्ट के तहत फ्री कैश फ्लो टारगेट पर JLR मैनेजमेंट का फोकस है। मार्जिन को बढ़ाने के लिए कैपेसिटी और कॉस्ट पर कंपनी लगातार नजर रख रही है। वहीं FY22 तक फ्री कैश फ्लो जो है वो पॉजिटिव होने की पूरी उम्मीद यहां पर जताई जा रही है। क्रेडिट स्वीस की रिपोर्ट न्यूट्रल रेटिंग बरकरार रखी है, टाटा मोटर्स पर लक्ष्य 304 के बता रहे हैं। छोटी अवधि में चिंताओं के चलते न्यूट्रल रेटिंग यहां पर बरकरार रखी गई है, और FY22-23 के बीच आय अनुमान 9 से 13% बढ़ाया गया है। JLR के लिए FY23 में 6% और भारत के लिए FY23 में 10% मार्जिन रहने का अनुमान है, यानी कि दोनों के अनुमान जो है उसमें बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा नेस्ले पर ब्रोकरेज रिपोर्ट है, CLSA की आउट परफॉर्म से खरीदारी की राय दे रहे हैं, लक्ष्य 19,250 के। कंज्यूमर बेस बढ़ाने पर फोकस है, नए इनोवेशन और मजबूत प्रोडक्ट पाइपलाइन पर भी फोकस आगे जारी रहेगा। वहीं क्रेडिट स्वीस न्यूट्रल रेटिंग दे रहे हैं, लक्ष्य 17,800 के। मध्यम अवधि में पॉजिटिव आउटलुक यहां पर बरकरार रख रहे हैं और अधिक वैल्यूएशन और मार्जिन पर दबाव के चलते न्यूट्रल रेटिंग एक बार इन्होंने दी है। बैंक ऑफ बड़ौदा पर नोमुरा की रेटिंग है, रेटिंग यहां पर डाउनग्रेड की गई है, न्यूट्रल की रेटिंग बदलकर अब रिड्यूस रेटिंग इन्होंने कर दी है। लक्ष्य 70 से बढ़ाए हैं, 72 किए हैं, 4,500 करोड़ का QIP इन्होंने लॉन्च किया है। वहीं FY21-FY23 EPS में 3.5% से 8.5% गिरावट की भी आशंका जताई जा रही है, तो डाउनग्रेड की यहां पर रेटिंग आती हुई। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट पर मॉर्गन स्टैनली इनिशिएट कर रहे हैं टारगेट, ओवरवेट रेटिंग के साथ कवरेज इन्होंने शुरू की है, लक्ष्य 625 के। 3.5x का प्राइस टू बुक वैल्यू बरकरार रखने का अनुमान है। वहीं FY21 में 18% ROE का अनुमान, जो कि हाईएस्ट है इनकी कवरेज में। साथ ही कामकाज मजबूत रहने की वजह से मल्टी ईयर टेलविंड का फायदा भी आने वाले दिनों में कंपनी के कारोबार को होता हुआ दिखेगा। और साथ ही LNT पर बर्नस्टाइन की एक रिपोर्ट है, आउट परफॉर्म रेटिंग बरकरार रखे, लक्ष्य 1716 के। कंपनी के कारोबार में रिकवरी जारी है, जिसके चलते यहां पर आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं। अंत में कजारिया सेरेमिक जेफरीज की पॉजिटिव रिपोर्ट, यहां पर खरीदारी की राय बरकरार, लक्ष्य 1085 के। FY22-24 EPS अनुमान जो है 6 से 7% यहां पर बढ़ाया गया है। ओके, तो ये हैं वो तमाम रिपोर्ट्स जिन पर आज आपको दिखेगा एक्शन। लेकिन आज है हफ्ते का पहला दिन, वैसे महीने का भी पहला दिन जी है। फिर तो पिक ऑफ द मंथ लेना पिक ऑफ द मंथ, लेकिन चूंकि हम पिक ऑफ द सीरीज आपको दे चुके हैं शुक्रवार को, इसलिए आज है पिक ऑफ द वीक। बिगुल के साथ करते हैं हमारे सभी एक्सपर्ट्स का स्वागत। चलिए तो एक काम करते हैं, जय से शुरुआत करते हैं। एक हफ्ते से हम जय को मिस कर रहे थे, है ना। तो जय अच्छा हुआ आप आ गए, नहीं तो आपको देख के इंस्पायर होके फ्राइडे को छुट्टी मार ली,
दीप ने भी बोले जय एक हफ्ते से नहीं आ रहे, एक दिन की तो मेरी भी बनती है। मैंने कहा नहीं मंडे से आ रहे, तो बोले फिर मैं भी मंडे से आ जाता हूँ। तो आपका स्वागत है, छुट्टियां बढ़िया रही एकदम फर्स्ट क्लास? छुट्टी लेना भी अच्छा रहता है। आइए बताइए, करिए शुरुआत आपके पिक ऑफ द वीक के साथ। मुझे जो स्टॉक अच्छा लग रहा है, इनफैक्ट ये पिक ऑफ द वीक है, बट इसे आप पिक ऑफ द मंथ के हिसाब से भी ले सकते हैं। और बहुत ही बढ़िया चार्ट सेटअप है इसका, 3M इंडिया। लास्ट 3 दिनों से लगातार मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा है ये स्टॉक, करीब 22,800 के आसपास क्लोज हुआ था। एंड मुझे ऐसा लग रहा है ऑन दी अपसाइड अनिल जी, इसमें जो फर्स्ट टारगेट हमें देखने मिलेंगे वो 25,600 के है। लगभग यहाँ से आपको 3,000 पॉइंट की एक बढ़त आपको दिखने मिल सकती है, विच इज नियरली 10-12%। एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न का ब्रेकआउट आया है ये स्टॉक में, वॉल्यूम्स के साथ और इंडिकेटर्स में बहुत ही एक बढ़िया फ्रेश बाय क्रॉसओवर देखने मिल रहा है वीकली चार्ट्स पर। दैट क्लियरली इंडिकेट्स के 3M इंडिया का एक फोर्थ वेव कंसोलिडेशन लार्जर टाइम फ्रेम पर अनिल जी खत्म हो चुका है, यहाँ से एक बहुत ही बड़ा मूव आएगा। तो 3M इंडिया मेरा पिक ऑफ द वीक है, जिसे आप पिक ऑफ द मंथ के हिसाब से भी कैरी कर सकते। तो यहाँ पर करें खरीदारी, और आपके एब्सेंस में जय विश्वेश का भी मूड ऐसे था, 2-3 दिन तो विश्वेश ने बहाना बना लिया कि मेरी तबीयत खराब है और फिर आए नहीं। फ्राइडे को आए तो ऐसे मूड में आए कि जैसे मतलब जबरदस्ती हमने पकड़ के बिठाया हो। आज देखो एकदम फ्रेश तरोताजा बिल्कुल फर्स्ट क्लास लग रहे हैं। तो विश्वेश जी गुड मॉर्निंग, आपको भी बताएं सर जय आ गए, अब अपनी दमदार पिक बताइए। गुड मॉर्निंग अनिल जी, पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, काफी अच्छा लगता है, एनर्जेटिक लगता है आपकी कमेंट्री सुन के। मतलब 8 बजे आपने पूरी दुनिया को एनालाइज कर लिया है, सारे जो फ्राइडे के दुख थे उसको सबको आज सुबह बदल के आप जब कमेंट्री दे रहे थे तो पॉजिटिविटी आ जाती है, ऐसा लगता है कि मतलब आज तो मार्केट 500 पॉइंट ऊपर भी हो सकता है। मेरे हिसाब से एक ट्रेडर के लिए इससे अच्छी ओपनिंग कमेंट्री नहीं हो सकती। तो मैंने भी कुछ बहुत सारी चीजें पिकअप की, जैसे बॉन्ड यील्ड को लेकर। आपने इतनी तारीफ के लिए धन्यवाद, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी मत समझिए कि मैं आपकी खिंचाई करना छोड़ दूंगा। ये जो वो है ना, वो हमारा प्यार है ना, वो बना रहेगा, उसी में मजा है उसमें। तो सबसे बढ़िया बात है, चाहे बंसल जी हो जय विश्व कोई भी हो, सबसे बढ़िया बात है कि कोई बुरा नहीं मानता, इसलिए हम कर पा रहे हैं। जो अगर आप अगर हम मस्ती मजाक ना करें बड़ा डल बोर सा शो होगा, मजा नहीं आएगा। जो हमारी जो बॉन्डिंग है, जो हमारा प्यार है, जो हमारे एक दूसरे पे कॉन्फिडेंस है, वो इसीलिए है कि भाई चलिए हाँ दिल से हम सब साथ में, बाकी मस्ती मजाक चलती रहती। नहीं नहीं विश्वेश जी बिल्कुल धन्यवाद आपके ये शब्दों के लिए। बताएं सर आज के आपकी पिक ऑफ द वीक। अनिल जी देखिए, फ्राइडे को भी मेरा व्यू यही था कि ओवरसोल्ड पुट कॉल रेशियो है। बैंक निफ्टी का डाटा अगर आप देखेंगे तो 0.57 का पुट कॉल रेशियो। अनिल जी अगर आप बैंक निफ्टी का डाटा देखते हो तो 0.5 पे मेजर बॉटम बनता है, वहां से 3,000-4,000 पॉइंट की बैंक निफ्टी में तेजी बनती है। इसीलिए मैं उस दिन भी सेल मोड में नहीं था और बाय ही कर रहा था। तो मुझे ऐसा लग रहा है स्टॉक ऑफ द वीक या सीरीज या मंथ जो भी कहना चाहे, यहां से हो सकता है BHCL। BHCL ने फ्राइडे में भी बहुत ही ब्रिलियंट क्लोज दिया है, वीकली क्लोज आफ्टर 2 साल अबोव 47। अनिल जी इसका टारगेट 60 बन के आ रहा है, मुझे लगता है यहाँ पे 42 के स्टॉप लॉस से BHCL को अक्यूमुलेट करना चाहिए, रिवर्स पिरामिडिंग करना चाहिए। 60 का टारगेट रहेगा मेरा ओवरऑल BHCL में। शक्कर बिल्कुल 60-70 रुपए के टारगेट मिनिमम मेरे भी हैं, और बस यही कि आपने बहुत जल्दी जल्दी वाले रख दिए, मैंने साल भर के लिए रखे हैं। तो आपकी बात सही हो और ये ज़्यादा बढ़िया है। तो भेल एक बढ़िया ब्रेकआउट, और वाकई में 44-45 रुपए के आसपास आकर बार बार जो अटकता था अब पहली बार पार निकलने की तैयारी में। बंसल जी सुप्रभात, बताएं सर आपका स्टॉक। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। पहले तो अनिल जी पिक ऑफ द जो मेरा वीक है उसको आप पिक ऑफ द मंथ भी मान सकते हैं। और ये स्टॉक है अदानी टोटल गैस, इसको पहले भी मैंने और कुणाल जी ने 360-370 से रेगुलरली रिकमेंड करते आ रहे हैं, और यहाँ पर 485 का स्टॉप लॉस लगाना है। पिक ऑफ द वीक के लिए टारगेट है 600 का, और पिक ऑफ द मंथ का टारगेट थोड़ा सा ऊपर अपने आप इन्फ्लेट कर लें, बट स्टॉक को मिस नहीं करना है। अदानी टोटल गैस पे खरीदारी की राय है। बंसल जी आज आप तो आने वाले नहीं थे, आपने बोला कोई एग्जाम दे रहे हैं और उसके चक्कर में आज आप छुट्टी लेने वाले थे, आप तो आगे मतलब एक दो चीजें, एक तो कौन सा एग्जाम, और बचपन में पढ़ाई कर लेते, अब करनी नहीं पड़ती आपको। नहीं
नहीं देखिए अनिल जी, पढ़ाई तो सब करी हुई है। देखिए अनिल जी, आपके जितने भी पैनलिस्ट हैं अनिल जी, किसी के नाम के आगे ना डॉक्टर नहीं लगा हुआ अनिल जी। हाँ बराबर है अनिल जी, वो डॉक्टर वाला अनिल जी वाइवा था, तो वो बाहर के लोग जो है वो मंडे टू फ्राइडे अनिल जी काम करते हैं 10 से 4 के बीच में। हाँ। तो एक स्पेशल रिक्वेस्ट डाली हुई थी कि भैया हमें को एक वीकेंड पर या इवनिंग में एक फैसिलिटी दो। तो अनिल जी कल वो लेट, मतलब कि इवनिंग में एक मेल आया कि हम शाम को दे सकते हैं। अच्छा। तो कल पूरी इवनिंग अनिल जी उसमें निकल गई, तो जो एग्जाम आज सुबह देना था। हाँ। वो कल शाम को करके आया अनिल जी। अरे वाह, बहुत बढ़िया। देखो ये है दर्शकों के लिए बंसल जी का कमिटमेंट कि भाई एग्जाम संडे शाम को देकर। तो क्या बंसल जी, अब आपके आगे डॉक्टर राकेश बंसल हो जाएगा? नहीं अनिल जी, अभी तो शुरुआत है अनिल जी, समय लगता है, मैं एकदम से कुछ नहीं होता अनिल जी, कोशिश कर रहा हूँ अनिल जी, कोशिश नहीं अनिल जी, फील गुड लगता है अनिल जी। नहीं नहीं बिल्कुल, और हम सबको फक्र होगा बिल्कुल, और हमारी बिल्कुल दिल से शुभकामनाएं सबकी तरफ से बंसल जी। ये जज्बा है कि इस उम्र में भी आप पढ़ना चाहते हैं, मजाक की बात नहीं, लेकिन इस उम्र में भी पढ़ना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। बंसल जी सैल्यूट, हैट्स ऑफ, बहुत बढ़िया है, बिल्कुल बिल्कुल। और मतलब वो देखिए, इसको कमिटमेंट कहते हैं। आपको सैल्यूट नहीं कर रहे अनिल जी आप, मतलब प्रॉपर खड़े हो क्या? बंसल जी ने भी कोई मौका छोड़ा नहीं, बोले रोज अनिल जी बारी पड़ते हैं, आज आपने मेरे बाउंसर को हुक शॉट पे 6 पे भेज दिया। चलिए बढ़िया बंसल जी, बधाई आपको और शुभकामनाएं कि डॉक्टर राकेश बंसल हो जाए। तो क्या हमारा क्या डॉक्टर डॉक्टर की फीस बचे? हमारा तो इतना ही लिमिटेड इंटरेस्ट है, बाकी तो सब ठीक है। कुछ भी काम हुआ बंसल जी, पेट दर्द है, कौन सी दवा लूँ, फोन पे काम हो जाएगा। चलिए आइए, कुणाल जी भी हमारे साथ है। कुणाल जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपका पिक ऑफ द वीक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी देखिए, मेरी खरीदारी की राय है वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट पर, और इसमें अनिल जी एक बहुत ज़बरदस्त ब्रेकआउट आता हुआ इस सप्ताह हमने देखा। स्टॉक ने 495 रुपये के एक रेजिस्टेंस को पार करके शुक्रवार को बंदी दी, तो इसमें खरीदारी करके चले अनिल जी। मुझे लगता है ये स्टॉक 550 तक के लेवल्स दिखाएगा। एक शॉर्ट टर्म टारगेट लें तो 525-530 का होगा, लेकिन पूरे सप्ताह का टारगेट मेरा 540-550 का है। तो खरीदारी की राय है वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट। ओके, वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट में करें खरीदारी, 525-530 छोटे टारगेट, 550 बड़ा टारगेट। हिमांशु जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपका हफ्ते का शेयर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। सर पिक ऑफ द वीक है तमिलनाडु पेट्रो, टीएन पेट्रो जिसका टिकर है। बहुत ही अच्छा शानदार लास्ट वीक इसमें सर एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, मल्टीपल हर्डल्स 46-48 रुपीज के जोन में थे, वो इस स्टॉक ने वीकली बेसिस पर पार किया है। मेरा मानना है कि इस स्टॉक में यहाँ पर इस हफ्ते एक अच्छी तेजी बनते हुए देखने को मिल सकती है, तो तमिलनाडु पेट्रो में खरीदारी की राय है। पहला टारगेट 59 रुपये और दूसरा टारगेट 65 रुपये का देखने को मिल सकता है। पिक ऑफ द वीक, पिक ऑफ माय मंथ भी ये टर्न आउट हो सकता है, और यहाँ पर 45 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगाया है। ओके, 45 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ करें खरीदारी टीएन पेट्रो में, 59, 59 रुपये, 65, 65 रुपये, ये है आपके लिए। जयपुर वाले जैन साहब भी हमारे साथ है। जैन साहब गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपका स्टॉक। देखिए पहले तो मैं राकेश जी वाली बात पे आऊंगा, इनका पूरा नाम मैंने सोच लिया, डॉक्टर आर के बंसल साहब, मतलब जब आप पीएचडी हो जाते हो ना तो पूरा नाम एकदम कुमार देते हो ना, तो बढ़िया लगेगा। और प्लस ये डॉक्टर वैसे तो डॉक्टर है ही हमारे पैनल के मेडिसिन वाले, और अब पीएचडी वाले डॉक्टर भी हो जाएंगे तो सोने पे सुहागा है। बोला जबरदस्त, इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव, आई मस्ट कांग्रेचुलेट, बहुत बड़ी बात है। पीएचडी हम भी सोचते ही रह गए, मेरा भी एक बार मूड बना था लाइफ में, बट फिर बोला रहने दीजिए, पढ़ाई इतनी डेडिकेशन के लिए मैं सल्यूट करता हूँ। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल। जी। अब आते हैं बैक टू माय पॉइंट अनिल जी। देखिए इस हफ्ते में मैं आपका कमेंट्री सुन रहा था, इट वाज वेरी एक्सीलेंट, और बहुत कुछ चीजें बहुत सही कही आपने कि 14800 एक लेवल है जहां पे आपने कहा सेल करना ही है, 14800 14900, और वो लेवल मुझे भी ऐसा लगता है कि इतना इजीली ये पास नहीं करेगा क्रॉस। ठीक है एक बार बाउंस आ रहा है ये आ रहा है, बट बहुत इजीली जो पैसा बन रहा था, जो हम लोग कई बार पोजिशनल टारगेट्स देते थे, महीनों के टारगेट 6 से 9 महीने के लिए जेन साहब के जेम्स देते थे, वो 1 महीने में 15 दिन में अचीव हो रहे थे, वैसा शायद पावड़ी वाला जो टाइम था वो शायद चला गया, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं यही कहूंगा कि जो भी स्टॉक्स हम दे रहे हैं बहुत क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, और अननेसेसरीली लिवरेज पोजीशन नहीं लेनी है, और जहां कन्विक्शन आए वही लेना है,
अनवांटेड अनलिवरेज मनी से पैसा बनेगा और अब वैसा ही बनेगा, अब वो लिवरेजिंग से पैसा नहीं बनेगा एंड बहुत डिफिकल्ट फेज मुझे लगता है कि आने वाले में। लास्ट वीक भी काफी नेगेटिवली बात करके गया था इफ यू कैन रिमेम्बर अनिल जी। तो फिर भी मैं स्टॉक जो लाया हूँ, फर्टिलाइजर स्टॉक्स में जबरदस्त चाल है ऑलरेडी, जो PSU स्टॉक्स है फर्टिलाइजर्स के, RCF, NFL, इन्होंने तो धूम मचाई रखी है, बट प्राइवेट सेक्टर के स्टॉक्स में भी काफी धूम मचेगी, जो गैस वाला जो GST का जो एक बड़ा वो है प्रावधान आ सकता है, तो मुझे लगता है उसको देखकर कोरोमंडल इंटरनेशनल विल बी द पिक ऑफ द वीक। और उसके अलावा मैं पिक्स देना चाहूंगा, ऐसा नहीं कि नहीं है स्टॉक्स, मुझे लगता है कि नेल्को NELCO एक करेक्शन के बाद बहुत बढ़िया लेवल पे है, मैंने जेन साहब के जेम्स में भी दिया था, और वो बहुत स्ट्रॉन्ग रोबस्ट टेक्नोलॉजी वाले काम पे करती है और वो है सैटेलाइट। तो मुझे लगता है कि नेल्को की, मैं उस दिन जब ये जो NSE का जो वो हुआ था तो मुझे नेल्को की बहुत याद आई कि ये आज ऑयल एंड गैस सागर के बीच में पहाड़ियों पे जहां पे हमारी आर्मी फाइट करती है वहां पे ये टेक्नोलॉजी शायद प्रोवाइड करते हैं। सो इस टाइप की रोबस्ट टेक्नोलॉजी वाली कंपनी वापस से नजर में आई है मेरे। फिर मुझे लगता है मिधानी, अगेन मेटल्स वाले स्टॉक अच्छा चल रहे हैं तो PSU स्टॉक्स में यहाँ ध्यान दीजिए। MCX अगेन करेक्टेड स्टॉक है, बहुत बढ़िया लेवल्स पे है, यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट शेषासाई पेपर, मुझे लगता है पेपर स्टॉक्स बहुत अच्छा कर रहे हैं और शेषासाई पेपर थोड़ा सा लगाड़ रहा है बिकॉज क्वार्टरली रिजल्ट एज कम्पेयर टू JK पेपर एंड अदर वेस्ट कोस्ट पेपर जो कि हमने बहुत हेविली रिकमेंड किए हुए भी है उसके सामने इनका थोड़ा सा हल्का था तो इसलिए थोड़ा धीरे चल रहा है, बट इट्स अ फैंटास्टिक क्वालिटी कंपनी जहां पे ध्यान देना चाहिए। ओके, तो कोरोमंडल इंटरनेशनल, नेल्को जो टाटा ग्रुप की डिफेंस वाली कंपनी है, MCX और शेषासाई पेपर, ये चार स्टॉक हैं जो जेंस आपको पसंद है खरीदारी करने के लिहाज से। सुमित जी भी हमारे साथ है, सुमित जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपका पिक ऑफ द वीक। गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी पिक ऑफ द वीक के तौर पे बायोकॉन पे नजर रखें, बायोकॉन लोअर लेवल्स पे कंसोलिडेट कर रहा है और यहां से एक अच्छा अपसाइड मूव बायोकॉन में देखने को मिलना चाहिए। 390 के आसपास बायोकॉन में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। नीचे में स्टॉक का जो इमीडिएट चार्ट के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो 382 के आसपास का है, तो 380 का स्टॉप लॉस लगा के बायोकॉन में खरीदारी करें। ऊपर में 400 का लेवल जैसे ही टूटेगा तो 410 रुपए से लेके 425 रुपए तक के लेवल बायोकॉन में देखने को मिल सकते हैं, तो बायोकॉन में यहाँ पे खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ओके, तो ये है आपके लिए स्टॉक जहां पर आपको रखनी है नजर, बायोकॉन। आइए कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पर एक्शन भरपूर रहेगा उसी पर राय ली जाए। सबसे पहले IOC, यहां पर खबर आई कि इनकी पानीपत रिफाइनरी के लिए क्षमता विस्तार के लिए 33,000 करोड़ की निवेश की बोर्ड से मंजूरी मिली है और सितंबर 2024 तक कामकाज पूरा होगा। जैन साहब जरा इस पर आई दीजिए, HPBP IOC में से कोई आपको खास पसंद हो और स्पेशली IOC आज चूंकि खबरों में भी है। नहीं देखिए, HPBP IOC में जब भी राय ली गई है तो मैंने BP के ऊपर बहुत ज्यादा एग्रेसिवली राय दी है, मुझे बहुत अच्छा लगता है स्टॉक। बल्कि ये तीनों स्टॉक जिन्होंने ले रखा हो तो होल्ड करके रखे ही, फ्रेश खरीदारी आज IOC न्यूज की वजह से उछाल से खुल सकता है, बट ओवरऑल BPCL इज अ फैंटास्टिक कैंडिडेट इस पूरे सेक्टर को प्ले करने के लिए। फिर ONGC और ऑयल इंडिया, यहाँ पे भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि क्रूड ऑयल की प्राइसेस जब भी स्ट्रेंथन होती है तो ये स्टॉक्स अच्छा करते हैं। फिर गैस वाली जो GST वाली न्यूज है वो इनके बहुत फायदे की रहेगी। फिर ऑयल इंडिया में और भी BPCL का भी जो डिसइन्वेस्टमेंट है उससे रिलेटेड ऑयल इंडिया को भी बेनिफिट मिलता है एंड इट्स अ क्वालिटी कंपनी, तो मुझे ऐसा लगता है कि ओवरऑल ONGC, ऑयल इंडिया, इन दोनों पे पहला ध्यान रखें, दूसरा BPCL इज माय फेवरेट बेट इन द होल सेक्टर और फिर HPCL IOC इज अ होल्ड। ओके, तो चलिए ये है आपके लिए BPCL पर खरीदारी करने की राय।